नमस्कार जी, मैं जयंती दुग्गल चुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड सम्मान से जिला परिषद सदस्य और वर्तमान में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा जिला चंबा। सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का और अपने जिला के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे भाई धीरज नरियाल जी और उनके पूरी टीम का, पूरे जिला स्तर की जो हमारी टीम है और जो हमारे पूरे प्रदेश स्तर की जो हमारी महिला मोर्चा की टीम है, हमारे नवनियुक्त जो अध्यक्षा जी हैं वंदना योगी जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। अब हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास रख करके मुझे इस पद के दायित्व के लिए मेरा जो चयन किया है, मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगी इस दायित्व को निभाने की, सबके सहयोग से, सबको साथ लेकर के अपना हम पूरा योगदान देंगे पार्टी के कार्यों में। जो भी हमारे से बन पाएगा, मैं पूरी निष्ठा के साथ, निस्वार्थ भाव से जो है वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करूँगी। अभी हमारी जो जिला स्तर की कार्यकारिणी है उसका भी गठन होने को है, तो इस कार्यकारिणी के गठन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, जिला की जो कार्यकारिणी है और सभी के साथ सलाह मशवरा करके हमारा महिला मोर्चा जिला चंबा की कार्यकारिणी का गठन जो है किया जाएगा, इस पे हम विचार विमर्श करके जो है वो निर्णय लेंगे और इसका गठन करेंगे। और मैं एक बार फिर पुनः पुनः ये धन्यवाद करना चाहूँगी अपने जो हमारे पूर्व में उपाध्यक्ष रहे श्री हंसराज जी और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे काफ़ी तेज तरार नेता हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ और उनके साथ, उनके सहयोग की भी कामना करते हुए सबके साथ मिलकर के जो है हम जिला चंबा का और भारतीय जनता पार्टी का, पूरे प्रदेश का संगठन में कार्य में हम अंजाम देंगे। और अभी हमारा एक वीसी हुई थी कल दो दिन पहले, तो उसने हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने जो निर्णय लिया है 25 तारीख का, उसमें कांग्रेस की जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो झूठे वादे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो रैली रखी गई है हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उसमें भी हम महिला मोर्चा की तरफ से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और साथ में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए जो हमारे देश में हुई है, अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम पास किया गया, वो एक मील का पत्थर है हमारी महिलाओं के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उनका, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया उसका हम पूरे देश की महिलाएं, मैं पूरे जिला की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिल पारित करने का काम हुआ है केंद्र में, उसके लिए हम अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं।